के लिए चलते हैं लखनऊ। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है और उनके सामने एसीएस गृह अवनीश अवस्थी भी मौजूद है। अनामिका, बातचीत कीजिए। और देखिए, आज बिल्कुल रोजगार का दिन है और आज रोजगार की बहार है, क्योंकि आज बड़ा ऐलान किया गया यूपी सरकार की ओर से कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 40,000 पद जो है सृजित किए जाएंगे, जहां पे नौजवानों को भारी संख्या में मौका मिलेगा यूपी पुलिस ज्वाइन करने का। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एसीएस अवनीश अवस्थी जी। सर, आज एक बड़ा ऐलान किया आप लोगों ने, वैसे भी जो 100 दिनों का एजेंडा था उसमें था कि नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाए, लेकिन 40,000 भर्ती पुलिस में कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था तो आपने देखा होगा पिछले 5 साल में 1.5 लाख के आसपास जो है भर्तियां पुलिस में की गई। पुलिस में कहीं भी जो है पिछले 5 साल में पद जहाँ भी थे उनको भरा गया और लगभग 20,000 से अधिक महिलाओं को जो है पुलिस में भरा गया, तो ये एक मेजर अचीवमेंट 5 साल का रहा। और अगले 100 दिन के लिए जो उन्होंने लक्ष्य रखा था, 80 दिन में 10,000 भर्ती भी पूरी हुई। आपने देखा होगा कि अभी एसआई की भर्ती के लिए लगभग 9,500 से अधिक भर्ती की गई है, 500 से अधिक मृतक आश्रितों को भर्ती की गई है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के समक्ष हमारा लक्ष्य रखा था गृह विभाग का, पुलिस का, भर्ती बोर्ड का, वो पूरा हो गया है। अब उन्होंने पूरा रिव्यू फिर से किया है, आज ही उन्होंने निर्देश ये दिए हैं कि लगभग 40,000 सृजित पद है ये, इनमें जो अब भर्तियां होनी है उनको प्रत्येक दशा में भर दिया जाए। तो ये लक्ष्य अब जो है गृह विभाग के लिए, हमारे भर्ती बोर्ड के लिए, पुलिस के लिए है। इसमें सर कैटेगरी क्या होगी, कैटेगराइज कैसे करेंगे आप 40,000 को? 40,000 में जो ब्रेकअप है उसमें जो अब नए सब इंस्पेक्टर्स के पद होंगे वो होगा, नए कॉन्स्टेबल्स के जो अभी जैसे हर साल जो रिटायर होते हैं उनके पद भरे जाएंगे, और फिर इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक हमारे फायर डिपार्टमेंट है, हमारा जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, हमारे अन्य अन्य जो विभाग है उनके पदों को भरा जाएगा। मैं केवल आपको ये बताना चाहूँगा कि जो विवरण है लगभग उपनिरीक्षक गोपनी जो हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर जो कार्यालय में रहते हैं उनको सबको मिलाकर जो है 1329 करीब पद हैं। रेडियो के जो पद हैं वो 2430 हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी जो है भरे जाएंगे, 872 पद ऐसे हैं। और साथ ही साथ जो है लगभग आरक्षी, नागरिक और फायरमैन जो हर साल हमको भर्ती करने होते, पिछले साल काफ़ी संख्या भर्ती किए गए, वो लगभग 34,922 हैं। इसके साथ साथ लेखा के 243 पद हैं और फिर नए वर्ष में उपनिरीक्षक की करीब 829 जो है पद और हो गए, तो लगभग 40,628 पद को भरने का निर्देश दिया है और उसका पूरा तैयार है और उसके ब्लूप्रिंट को भर्ती बोर्ड ने तैयार किया। अभी कल ही परसों में जो है उसकी समीक्षा की है, मुख्यमंत्री जी ने खुद भी उसकी समीक्षा की है। भर्ती बोर्ड ने जो समय मांगा था उसको शॉर्टन किया गया है और कहा गया है कि रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी पारदर्शी रूप से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर